नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। बता दें आपको कि कोटा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी में उफान आ गया है और अचानक से बड़े इस पानी की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। बताते चले आपको कि कानपुर देहात के 2 तहसीलों के 30 गांव बाढ़ की गिरफ्त में आ चुके हैं। भोगनीपुर तहसील के 6 गांव का आपसी संपर्क कट गया है। सिकंदरा तहसील के बैजमाऊ गांव से ये खबर सामने आई है, जहां पर पानी भरने की वजह से जो पूरा गांव है टापू में तब्दील हो चुका है। कई दूसरे घरों में भी घरों में पानी घुस चुका है और जिला प्रशासन ने गांव में आने जाने के लिए नाव का इंतजाम करवाया है, लेकिन इस वक्त हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पानी किस तरीके से भर चुका है, फसलें जलमग्न हो गई हैं और कई गांव ऐसे हैं जहां पर घरों में पानी घुस चुका है और टापू में तब्दील हो चुके हैं ये गांव। मिर्जापुर सोनभद्र जिला सरकारी बैंक का चेयरमैन का चुनाव संपन्न हो चुका है। इसमें भाजपा प्रत्याशी लोक नारायण सिंह को निर्विरोध चेयरमैन का पद जो है सौंप दिया गया, उन्हें चुन लिया गया है और अपर जिलाधिकारी श्री प्रताप शुक्ल ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद ये पद खाली हुआ था और विपक्ष से किसी के नामांकन दाखिल नहीं होने की खबर है। लोक नारायण सिंह के अध्यक्ष होने जाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। चेयरमैन ने कहा है कि किसानों के हित में बैंक काम करेगा और किसी भी किसान को निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसका श्रेय प्रथम तो हमारे यहाँ जो जितने डायरेक्टर हैं उन सब ने मुझे निर्विरोध निर्वाचित होने का अवसर दिया, और दूसरा मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस योग्य समझा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर घोषित किया। इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व का और हमारे सारे ऐसे शुभचिंतक बंधु का जो इस रूप में मुझे देखना चाहते थे, मैं सभी लोगों को इस जीत का श्रेय देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और मैं आगे भविष्य में इस तरह का प्रण करके बैठा हूं कि यह किसान हित में यह बैंक बनाया गया है, उस किसान हित में यह बैंक काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर हम लोग पूरी तरह से काम। रायबरेली में आज वाहनों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत सिविल लाइंस चौराहे पर दर्जन भर से ज्यादा चार पहिया वाहनों की जांच की गई। यहां लगभग आधा दर्जन वाहनों के शीशे पर चढ़ी काली फ्रेम यानी काली पन्नी को पुलिस ने निकलवा दिया है और इस कड़ी में रतापुर चौराहे पर वाहन जांच की गई है, जहां पर आपको बता दे चले कि चार पहिया गाड़ियों की डिग्गी की जांच की गई। इसके अलावा वाहनों पर अवैध रूप से लिखे गए पदनाम के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और इसी के तहत विंड स्क्रीन पर लगे पुलिस के लोगों को भी निकलवा दिया गया है। अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे जनपद में 1.5 घंटे का चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग की जानी थी। उसी क्रम में सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे कोई आपराधिक प्रवृत्ति का। और रायबरेली में कांवड़ियों पर फायरिंग कर दी गई है। गोली लगने की वजह से घायल एक कांवड़िए को CHC शिवगढ़ में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर प्रारंभिक इलाज के बाद इस कांवड़िए को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला है शिवगढ़ थाना इलाके के बांदा बहराइच मार्ग का। यहां पर चंदापुर के पास डलमौल जल ले जाने जा रहे कांवड़िए पर बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से संत प्रसाद नाम के इस कांवड़िए की वहां पर घायल हो गया एक कांवड़िया, वो गिर पड़ा और साथी कांवड़िए की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल कांवड़िए को CHC शिवगढ़ में भर्ती कराया है। यहां प्रारंभिक इलाज के बाद कांवड़िए को जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के मुताबिक घटना जमीनी विवाद से जुड़ी हुई है। बता दें आपको कि आरोपियों ने 12 बोर के असले से फायर किया है और इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। कुछ दिन पहले 102 से एक मरीज लाया गया है, काफ़ी पुलिस बल भी आया था साथ में उनकी। पीठ में उनके बहुत सारे छोटे छोटे से छेद हैं जो कि स्किन डीप हैं,
और उसमें से दो छर्रे भी निकले हैं जिनका हमने इलाज कर दिया है और प्राथमिक उपचार करने के बाद इनको फर्दर ओपिनियन और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए इनको जिला अस्पताल भेज रहे हैं। अभी गन शॉट है कि नहीं है ये एक्सपर्ट ओपिनियन से ही पता चल पाएगा, लेकिन संभावना। और नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत सीओ सिटी ने सतर्कता के साथ एक नेतृत्व करते हुए शराब और पान सिगरेट की दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान सिविल लाइंस में मॉडल शॉप के भीतर चल रहे बार के भीतर पुलिस ने गहन जांच की और इस बीच पुलिस ने शराब पी रहे ग्राहकों की आईडी भी चेक की है। इसी के साथ साथ बार का लाइसेंस भी चेक किया गया और इस दौरान बार के अंदर सिगरेट मिलने पर सीओ सिटी ने संचालक को फटकार लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी है। इसी के साथ ही बरगद चौराहे पर भी पुलिस ने मॉडल शॉप पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान बिक्री रजिस्टर में कॉलम खाली मिलने पर दुकानदार को चेतावनी दी गई है। आपको बताते चले कि रायबरेली में नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत अब तक 4 हुक्का बार समेत दर्जन भर शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों का व्यापार नहीं किया जाए। कोई भी ऐसी गतिविधि जहां पर लाइसेंस भी है, ऐसी अवैध गतिविधि संचालित ना होने पाए जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी नशे के कारोबार में या नशे के सेवन में संलिप्त हो। इसी क्रम में निरंतर दुकानों की चेकिंग कराई जा रही है, होटल रेस्टोरेंट की चेकिंग कराई जा रही है और अभी 4 हुक्का बार अभी तक हमारे सर्कल में पकड़े जा चुके हैं। तो ये कार्रवाई छापेमारी की चेकिंग के। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से एक बुजुर्ग शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला है शहर के रेलवे स्टेशन का, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर निवासी मुन्ना लाल चौरसिया दिल्ली जाने के लिए शाम को रेलवे स्टेशन से पद्मावत एक्सप्रेस पर जैसे ही चढ़ा वैसे ही उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा और ट्रेन की चपेट में आने की वजह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग का बायां हाथ पूरी तरह से कट गया है और खून से लथपथ हालत में घायल बुजुर्ग को रेलवे पुलिस ने आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। यहां पर घायल बुजुर्ग की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। गाड़ी से जा रहे थे, ये गाड़ी के अंदर तो क्या हुआ है इनके साथ? इनका हाथ कट गया। तो यहाँ कहाँ पर आए हैं डॉक्टर साहब? क्या मामला है? अभी एक्सीडेंट का मामला है, क्या है मामला? एक मुन्ना लाल चौरसिया करीब 60 साल की एज का है। इनको ये ट्रेन पे चढ़ते हुए कुछ रेलवे पे एक्सीडेंट हुआ प्लेटफार्म में, बाकी इनके दाहिने हाथ बाएं हाथ में कट गया है। करीब एम्पुटेट क्रस इंजुरी आई है, बहुत सीरियस कंडीशन में है। बाकी इनको एडमिट कर लिया गया, हमारे साहब आके ओटी कर रहे हैं, अभी अटेंड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बाकी बहुत सीरियस है। और चंदौली से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। इस विवाहिता का शव उसी के घर में फंदे से लटकता हुआ मिला है और सूचना के बाद सीओ तहसीलदार समेत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि इस बीच मृतका के पिता और भाई ने दहेज को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। सीओ रामबीर ने यह भी बताया इस बीच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। इस बीच आपको बता दें कि सैयद राजा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की यह घटना बताई गई है, जहां फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। राजा में गांव टड़िया कल्याणपुर में एक विवाहिता ने फांसी लगा करके सुसाइड किया है और आकर के मौके पर हमने जो पुलिस विधिक कार्रवाई डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर, हत्या या आत्महत्या? अब ये जो पीएम होगा, पीएम में जो भी आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या परिजन, लड़की के परिजन आरोप लगाए हैं किन पर? अभी वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, वो बता रहे हैं कि एक घंटे में हम बात करेंगे आपसे। यहाँ पर का कला कि हम लोग आए तो देखे कि मेरी लड़की का कला कि डेट कर गई है, उसके गर्दन में का कला कि फांसी की दगी है, फिर भी का कला कि तिलक प्रथा के लेके कुल उसको बड़ी डांस रही थी, उसकी सास और उसकी ननद भी, हम एक दो बेर आकर समझाए थे, लड़की की भी अपना डांटे न, फिर इका कहला कि बाहर लिया के गोइल का कहला दम्बदुआ लड़कियों गोइल, फिर बुला के अब कैसे का किलन जा, फिर झगड़ा दो तीन दिन चलता। खबर लखनऊ से है, जहां विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने सृष्टि अपार्टमेंट का निरीक्षण किया है। अपार्टमेंट परिसर में कई खामियां इस बीच मिली हैं।
और आपको बता दें कि भूमिगत पार्किंग में जलभराव और लिफ्ट बंद होने की सूचना पर परिसर वासियों में काफी आक्रोश देखा गया। इस पर इंद्रमणि त्रिपाठी ने रखरखाव कर रही कंपनी को जमकर फटकार लगाई है। LDABC ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को भी जमकर फटकारा और फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द इन तमाम कार्यों को पूरा करने के लिए आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के विवेक शर्मा ने अपार्टमेंट परिसर की सारी खामियों को एक एक कर दिखाया है और लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC समेत विभाग के कई आला अधिकारी लगभग एक घंटे तक पूरे परिसर का निरीक्षण करते रहे। घटिया निर्माण को देखकर वो भड़क उठे और इस बीच LDABC इंद्रमणि त्रिपाठी ने निर्माण एजेंसी, आंतरिक सड़क निर्माण कंपनी और रख रखाव कर रही कार्यदायी संस्था के ऊपर जुर्माना भी लगा दिया है। और चारबाग में जाम से मुक्ति के लिए दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन से ब्लंट स्क्वायर से मोती नगर होते हुए राजेंद्र नगर जाने वाले मार्ग में ब्लंट स्क्वायर मोती नगर के मध्य नाले पर महापौर संयुक्ता भाटिया के द्वारा 1 करोड़ रुपए से डबल लेन पुलिया का लोकार्पण कर दिया गया है। महापौर संयुक्ता भाटिया ने जनता को ये पुल समर्पित किया है और महापौर ने बताया कि इस पुलिया के डबल लेन चालू होने से चारबाग में वाहनों का दबाव काफी हद तक कम होगा। कानपुर रोड से आने जाने वाली जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी और कानपुर रोड से राजेंद्र नगर चौक राजाजीपुरम जाने वाले लोगों को अब चार बाग नहीं जाना पड़ेगा। वो इस डबल लेन पुलिया का उपयोग कर सकेंगे और इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं ने भी वहां पर पहुंचकर महापौर को बुके और फूल माला पहनाकर डबल मार्ग पुलिया के निर्माण के लिए धन्यवाद दिया है और आभार जताया। मेयर साहब का सराहनीय कार्य है जिन्होंने कैंट विधानसभा में एक सौगात दी है जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो, उनको आवागमन में दिक्कत ना हो, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। तो मैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ और हमारे प्रांत प्रचारक कौशल जी जिनकी प्रेरणा से आज हम सब लोग आगे बढ़े मैं उनको। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करते हैं फतेहपुर का जहां जनपद में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में बेकावर पुलिस ने सफलता प्राप्त की है और आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर ये सफलता मिली पुलिस को। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 15 घरों में बन रही 1020 लीटर अवैध शराब को बरामद किया है। मौके पर पुलिस ने लगभग 25 कुंतल लहन करवाया है नष्ट और छापेमारी की जानकारी मिलते ही अवैध शराब बनाने वाले मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। बगेवर थाना क्षेत्र के बैंता कजरन डेरा का ये मामला बताया गया। खबर अयोध्या से है। रामनगरी अयोध्या में 5 साल की इस मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई। गांव के युवा दुकानदार ने ही टॉफी देने के बहाने से इस बच्ची को उसके घर के अंदर बुलाया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बदहवास हालत में रोते हुए ये बच्ची जब अपने घर पहुंची तब लोगों को जानकारी हुई कि इस बच्ची के साथ क्या हुआ है। मामला कोतवाली बेकावर के कैचा गांव का बताया जा रहा है जहां बच्ची की दादा ने ये बताया है कि बच्ची घर से पैसे लेकर टॉफी लेने के लिए गई थी और दुकान पर अकेला दुकानदार बैठा था। वो दुकान के अंदर उसने बच्ची को बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस बीच CO बिकावर बिकापुर प्रमोद यादव ने बताया है कि सूचना मिलने पर मासूम बच्ची को तुरंत मेडिकल के लिए भेजा गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पैसा इनके चाची दही और चली गई पी चिलावे। अच्छा घर पे बाप खेत में था महतारी और एक लड़का था वो टट्टी करने चला गया था और जो लड़का सामान दिया था वो लड़का था यहाँ पर जो पकड़ा गया है वही लड़का था। अब क्या हुआ क्या नहीं बाद में हमको पता लगी, लड़की रोती आई में वो सब फूला था पूछें पेखागा तो वही लागे फिर दौड़ लगाए तो हम घर ही गवागा तो वो हमें ना आए कि भाग करे तो साहब मिले ना आए। 3 बार हमारी फतवा गई थी कि देखे घर पे आए हैं कहाँ हैं। उसके बाद में सब यहाँ से अधिकारी लोग गए तो फिर एक मेला से कहीं से लौट के आके वही बाग में छिपे थे तो लड़का देख लिया तो और भी सब कर्मचारी से बताए। बीती रात कोतवाली बीकापुर के कोछा बाजार गांव में एक 5 वर्ष की
बालिका के साथ रेप की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त हुई मिर्कापुर पुलिस द्वारा, पीड़िता के पिता से तहरीर ली गई। तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया। पीड़िता का तत्काल मेडिकल करने के लिए रवाना कर दिया गया। मिल्जिंग को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अब गाजीपुर से है, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल के पीछे एक युवक का शव पड़ा मिला है। युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या की गई और यह आशंका जताई जा रही है कि युवक के सर पर भी गंभीर चोट के निशान पाए गए। मामला है नंदगंज थाना क्षेत्र के बहरपुर गांव का। यहां गाजीपुर के नारी पशदेवरा गांव के रहने वाले एक युवक, जिसका नाम सत्यम सिंह बताया गया, उसका बहरपुर गांव में स्थित सावित्री स्कूल के पीछे लहूलुहान हालत में शव मिला है। बताया जा रहा है कि मृत युवक का कुछ दिनों पहले ही अपने गांव में एक स्थित धरवा गांव के कुछ युवकों के साथ विवाद हुआ था। इसी के बाद युवक हरिद्वार चला गया और एक हफ्ते पर वो वापस आने के बाद गांव वापस लौटा था। परिजनों ने युवक की हत्या को लेकर नामजद तहरीर दी है और परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगा दिया। इस बीच हंगामा भी किया गया है और इस दौरान परिजनों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी है। के बराहापुर क्षेत्र में सावित्री स्कूल के पीछे डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौका मुआयना वहाँ पे टीमों द्वारा किया गया है। फील्ड यूनिट को भी वहाँ पे भेजा गया था। पोस्टमार्टम पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। जो भी तहरीर इसमें प्राप्त होगी, इसमें तहरीर को पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। तीन टीमों का गठन इस मर्डर केस को खोलने में किया गया है। इसमें जो व्यक्ति की शिनाख्त न हुई है वो सत्यम। और हरदोई में सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक और स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उन्होंने इस बीच समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी को गुंडों और लफंगों मवालियों की पार्टी बता दिया। आपको बताते चलें कि इस बीच डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी से अपने मूल चरित्र के बदलाव करने के लिए भी हिदायत दे दी है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र में बदलाव नहीं किया है, इसीलिए जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया। डिप्टी सीएम ने सीधे तौर पर विकास भवन में पहुंचकर यहां पहले अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र और यूपी सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उन पर चर्चा की गई है। हरदोई जनपद पूरे प्रदेश में नंबर वन का जिला बने, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। साथ ही साथ उन्होंने इस बीच कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई है। इस स्थिति में हरदोई को नंबर एक पर लाने के लिए कार्यबद्धता की उन्होंने बात कही है। साथ ही साथ इस बीच वो लगातार समाजवादी पार्टी पर तंज कसने से भी पीछे नहीं हटे। डिप्टी सीएम ने जमकर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है, कई चुनाव में हार चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, गुंडे माफिया मवाली असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, उनको प्रेशर देना। परसों आपने देखा वो दुर्दांत अपराधी को आजमगढ़ जेल में जाकर के मिले हैं। हमने कल ही कहा था ये अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करना समाजवादी पार्टी का मूल कार्य है। वो अपने डीएनए में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, अपने मूल चरित्र में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया है। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा हम पूरे प्रदेश में 80-80 सीटें जीतेंगे और समाजवादी पार्टी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। अब की बार उनको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडे माफिया मवाली लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर एन न्यूज़।